नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एटीजेड कार सर्विस की इस वीडियो में। मैं अभिजीत और आज का जो वीडियो है एक्चुअली i10 गाड़ी है, i10 1.1 सीसी का। और इसमें कस्टमर का इशू है, जैसे ही स्पीड ब्रेकर क्रॉस करते या जैम में रुकते क्लच दबाते तो गाड़ी का जो आरपीएम है वो अचानक बढ़ के एकदम ऐसा करने लगता है। प्रॉब्लम मैंने देखा खड़ा कंडीशन में, अगर अभी आइडल कंडीशन में स्टार्ट करता हूँ तब भी थोड़ा अगर ब्रेक क्लच यूज करते तो तब भी ऐसा हो रहा है। अब पहले आपको एक बार प्रॉब्लम दिखाएंगे और उसके बाद आपको डायरेक्टली कैसे सोल्यूशन एकदम, वैसे इसके ऊपर मेरा इससे पहले भी एक वीडियो बना हुआ है जिसमें और डिटेल में मैंने आपको दिखाया, बट ये वीडियो शॉर्ट में करेंगे लेकिन टू द पॉइंट करेंगे। तो चलिए प्रॉब्लम दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी बम्पर क्रॉस करते वक्त ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, ये भी पॉसिबल है। तो पहले मैं गाड़ी को एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वैसे जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे उस टाइम ये जो सुई है ये अगर 2000 के आसपास भी रहता है फास्ट स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद, ये मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया, अभी थोड़ा आरपीएम मीटर जो सुई है ये थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन अभी देखिए ये प्रॉब्लम होगा। अभी थोड़ा सा ब्रेक और क्लच हमको दबाना है, ये देखिए अभी फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक दबा रहा हूं, ये देखिए बंद होने की मूवमेंट में चला गया है और कभी कभी जो है ऐसा भर रहा है। ये देखिए, ये देखिए ये प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा लगेगा कि गाड़ी बंद भी हो जाएगा और उसके बावजूद गाड़ी फिर पिकअप लेके मतलब 2000-3000 ऐसा कुछ जा रहा है। प्रॉब्लम मेनली यही है आरपीएम फ्लक्चुएशन का। तो अभी इस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए जो डेटा आपको देखना है वो दिखाएंगे, और अभी मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ लॉन्च का स्कैन प्लस एक्स, ये पीछे लिखा हुआ है यहाँ, मैं कोई क्रैक वर्शन यूज नहीं कर रहा हूँ। तो ये लॉन्च प्लस एक्स में मैंने सिंपली जो ECM है इसको कनेक्ट किया और इसकी जो डेटा स्ट्रीम है, देखिए फॉल्ट कोड चेक करने से चेक इंजन लैम्प जो है कुछ आ नहीं रहा है तो बेकार फॉल्ट कोड चेक करके कुछ फायदा नहीं होगा, डेटा से ये सब प्रॉब्लम आपको आगे सॉल्व करना होता है। इसमें एक्चुअली जो TP थ्रॉटल पोजीशन एक्सीलरेशन करने वक्त, अभी का गाड़ी में क्या है, ये वैसे पुराना गाड़ी है, अभी का गाड़ी में आपको अलग से जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल मिलता है, इसमें वैसा नहीं है, वायर सिस्टम है। तो आप जितना एक्सीलरेट करेंगे वायर के थ्रू, वहां पे एक बटरफ्लाई रहता है, वो कितना वोल्टेज सेंसर लगा हुआ है रहता है जिससे पता चलता है ECM को कि अभी आप एक्सीलरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली वो डेटा सिलेक्ट करूंगा, उसमें एक्चुअली कुछ वोल्टेज सेट करना पड़ता है, टारगेट आइडल RPM, थ्रॉटल ओपनिंग एंड थ्रॉटल, ये तीनों डेटा को मैं अभी सिंपली सिलेक्ट किया। अभी यहाँ में टारगेट आइडल जो RPM है, मतलब टारगेट जो है वो 700 दिखा रहा है और थ्रॉटल ओपनिंग जो है ये 0% में है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर जो एंगल वोल्टेज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखिए ये 0.11 mV में ये दिखा रहा है। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे RPM का जो फ्लक्चुएशन है ये आप देख सकते हैं कितना हो रहा है नॉर्मल आइडल कंडीशन में। अगर थोड़ा सा ब्रेक को अप डाउन करेंगे, ये डाउन होके फिर ऊपर की तरफ गया है, तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा हो रहा है। अभी फिलहाल मैं स्पीड ब्रेकर में आपको दिखा नहीं रहा हूँ बट प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें करना क्या है आपको, ये जो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर एंगल वोल्टेज है इसमें अभी शो कर रहा है 0.11, इसको आपको सेट करना है 0.19 से लेके 0.21 तक, और बहुत ही आसान से आप स्कैनर के थ्रू देख के कर पाएंगे। बाहर इधर लेके आओ, ये मेरा TP सेंसर है, इस सेंसर के थ्रू पता चलता है कि आपने एक्सीलरेट किया कि नहीं। और जैसा मैं बता रहा था ये है आपका एक्सीलेटर, जो पैडल सेंसर पैडल है उसके साथ कनेक्टेड, जैसे ही आप पैडल दबाते जाओ, एक बार पैडल दबाओ तो तुम देखिए ये बटरफ्लाई ओपन होता है, ये देखिए ओपन हुआ। तो इसके साथ अंदर से शाफ्ट लगा हुआ है जिसके साथ कनेक्टेड है ये मेरा TP सेंसर, और ये सेंसर घूम के वोल्टेज इधर अप डाउन, देखिए यहाँ पे करो, यहाँ पे तुम यहाँ पे दिखाओ, देखिए यहाँ पे वोल्टेज मेरा बढ़ गया, परसेंटेज ये सारा सब कुछ बढ़ रहा है। ओके छोड़ दो,
ओके, तो मुझे अभी करना क्या है, ये जो थ्रॉटल पोजीशन है इसको सेट करना है। सिंपली इसके पीछे दो स्क्रू रहता है, ये 19 पे इस पोजीशन में आपको सिलेक्ट कर लेना है। अभी मैंने इसको 19 पे सिलेक्ट कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि आपने सिलेक्ट किया बट जैसे ही टाइट किया तो वो 18 में जाके फिक्स हो गया। नाइनटीन से लेके 21 तक ये सिलेक्ट होगा। सेट करने के बाद आपको बस एक चीज याद रखना है, नहीं तो कई बार होता है कि सेट कर दिया उसके बावजूद प्रॉब्लम होता है। रिसेटिंग एडेप्टिव वैल्यू का एक ऑप्शन रहता है जो कि आपको स्पेशल फंक्शन में जाना है, और यहाँ पे देखिए रिसेटिंग एडेप्टिव वैल्यू दिखा रहा है। इग्निशन ऑन, इंजन ऑफ, अब मेरा इग्निशन ऑन है, ओके कर दिया। आर यू श्योर? यस, इट हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब अभी जो हमने सेट किया वो कंप्लीट हो गया, ये दिखा रहा है। अब इसके बाद तो अभी फाइनली गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद जैसा मैंने बताया कि ये थोड़ा अगर ऊपर जाता है 1500 तक तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इतना तक होना बिल्कुल नॉर्मल है। अब इस कंडीशन में और कुछ चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे टीपी एडजस्टमेंट करना ही दिखाया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी का ये टीपी मैंने एडजस्ट करना दिखाया लेकिन आईएसए वाल्व जो रहता है, ये आईएसए वाल्व में प्रॉब्लम होने की वजह से भी कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये जैम हो जाता है। इसको अच्छे से खोल के आपको क्लीन करना है, इसकी वैल्यू भी सेट करना पड़ता है, लेकिन मैंने दूसरे एक वीडियो में इसके बारे में भी बताया है। एटलीस्ट ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाया, अगर कई बार ऐसा होता है कि आपने पूरा थ्रॉटल बॉडी क्लीन कर दिया बट उसके बाद भी ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व नहीं हुआ, तो उस केस में आपको इस तरह से ये जो टीपी सेंसर है इसकी वैल्यू को सेट कर लेना है, और उसके बाद रिसेटिंग एडेप्टिव वैल्यू इसको ज़रूर करना है, तो आपका ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल, देखिए अभी इंजन बिल्कुल आइडल में है, और मैं अंदर जाके आपको जो ब्रेक मारने के बाद हो रहा था प्रॉब्लम, क्लच ब्रेक करके भी मैं दिखाता हूँ। अभी मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया और अभी देखिए मैंने क्लच दबा के ये ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व है। तो दोस्तों आई होप कि आज का मेरा ये जो वीडियो था ये आपको मतलब काम पे आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्रॉब्लम के सारा सब कुछ क्लीन करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, आरपीएम फ्लक्चुएशन होता है। अब मेरे से जितना पॉसिबल था आप सब मैंने शेयर किया। और भी एक चीज़ है, अगर ये सारा सब कुछ करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फाइनल पीसीयू अपग्रेड का भी एक ऑप्शन रहता है, बट वो आपको बाहर अवेलेबल नहीं होगा, तो उस केस में आपको सर्विस सेंटर नियरेस्ट जो है उसमें लेके आना पड़ेगा। और या तक कि कई बार ऐसा होता है कि ईसीयू अपग्रेड करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो उस केस में या तो ईसीएम या फिर जो थ्रॉटल बॉडी है उसको ही चेंज करना पड़ता है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट ये सब स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके आपको बस देखना है। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।